ओके बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली मोनोटोनिक सीक्वेंस बेटा दो तरह के होते हैं, या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते हैं। तो बेसिकली मोनोटोनिकली सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस होते हैं बेटा, वो ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें टर्म्स की वैल्यूज़ जो है ना वो बढ़ती जाती है। लाइक आप एन स्क्वायर अगर आप सीक्वेंस की बात करें, अगर आप सीक्वेंस एन स्क्वायर की बात करें, उसकी पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म वन है, फिर फोर है, नाइन है, सिक्सटीन है, इसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्वायर बनेगा 25 है, 36 है ना, इसकी टर्म्स की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो बेसिकली बढ़ती जा रही है मतलब इंक्रीजिंग, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। लिखा कैसे हुआ है, ए एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन, मतलब कि ए वन जो है वो ए टू से लेस या इक्वल हो, ए टू जो है वो फर्दर ए थ्री से, मतलब ए थ्री बड़ा हो गया, फिर ए फोर बड़ा हो गया, इस तरह से। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब सारी टर्म्स ऐसी होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग के केस में उल्टा मान लो, लाइक आप ले लो माइनस एन स्क्वायर, उस केस में पहले माइनस वन आएगा, फिर माइनस, ये कम होता जाएगा ना, नेगेटिव में उल्टा होता है, माइनस वन, माइनस फोर, माइनस नाइन, माइनस सिक्सटीन, तो डेफिनेशन भी उल्टी हो जाएगी। दैट इज़ ए एन जो है वो लेस की जगह इस बार बड़ा बन जाएगा ए एन प्लस वन से, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हैंस वी से सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोन सीक्वेंस अगर वर्ड लिखा हो तो ईदर इट कैन बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगर इन्होंने स्ट्रिक्टली वर्ड लिख दिया, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिखा है तो यहाँ पर इक्वालिटी या लेस दोनों साइंस आते हैं, बट अगर स्ट्रिक्टली लिखा है तो स्ट्रिक्ट का साइन यूज़ करोगे। लाइक ये वाला जो सीक्वेंस मैंने बताया था ये स्ट्रिक्ट वाला है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली वन जो है वो फोर से लेस है, फोर जो है नाइन से लेस है। हाँ, अगर बाई चांस बीच में कोई टर्म रिपीट हो जाती, नाइन के बाद नाइन आ जाता, लाइक फिर 25 के बाद 25 आ जाता, तो आप देख रहे हैं या फिर टर्म्स बढ़ रही हैं या फिर बीच बीच में कहीं कहीं इक्वल भी हो रही हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्ट हो रहा है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या फिर अदर केसेस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लाइक वन अपॉन एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज़ वन, देन द नेक्स्ट टर्म इज़ वन बाई टू, द नेक्स्ट टर्म इज़ वन बाई थ्री, वन बाई फोर एंड सो ऑन, द टर्म्स आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हैंस इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एन की पावर फोर इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, माइनस वन की पावर एन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज माइनस वन वन, माइनस वन वन, माइनस वन वन। बेटा देखो ये बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, इंक्रीजिंग के लिए बढ़ता ही जाए, डिक्रीजिंग के लिए कम नहीं होता जाए, तो हैंस इट इज़ नीदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आर्टिकल नंबर 13 बेटा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें चार पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड आपको करना होगा, थर्ड मैं करवाऊंगी, फोर्थ आपको खुद करना होगा, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। प्रूफ दैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव, कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बढ़ता ही जा रहा है वो कन्वर्ज तब करेगा अगर उसको ऊपर से बाउंड लगेगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो बढ़ता ही जाएगा, तो अगर ऊपर से बाउंड लग गया तो वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज, इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ वेज वी हैव टू कवर द रिजल्ट। नेक्स्ट इसकी लिमिट आपको बतानी है कितनी होगी, उतनी होगी जो ए एन का एल यू बी बनेगा, वो उसकी लिमिट होगी, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट द मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, और मैं शो करने जा रही हूँ इट इज़ बाउंडेड अबव, ये पार्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने मिलता जुलता आपने किया हुआ है पहले, आपने क्या ले लेना है, आपने कन्वर्जेंट ले लेना है, क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, कन्वर्ज कर गया तो बाउंडेड अबव होगा, ये आपने पीछे कुछ थ्योरम्स पहले पढ़ा था। कन्वर्स में हमने लेके चलना है कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है, ये मोनोटोनिक आपको दोनों में लेना है, दोनों पार्ट्स में लेना है, मोनोटोनिक थिंग इज़ गिवन टू यू, तो आपको ये लेना है कि ये बाउंडेड अबव है और यू इसका एल यू बी है, और आपको शो करना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट, इनफैक्ट किसको कन्वर्जेंट है, एल यू बी को, एल यू बी मतलब यू को कन्वर्जेंट है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर यू एल यू बी है तो एल यू बी की डेफिनेशन लगा दो। डेफिनेशन थी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एम सच दैट एल यू बी में से अगर माइनस किया एप्सिलॉन तो वो ए एम से लेस आएगा। ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था आपको, ये वहाँ से देख लेना स्टार्टिंग वाली वीडियोस, जहाँ से जहाँ पे मैंने एल यू बी और जी एल बी का आपको समझाया था, वहाँ से कवर हो जाएगा। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दो, ये ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की डेफिनेशन कहती है कि ए एम जो है वो ए एन से लेस होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। वैसे तो वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड होता है, बट ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए भी इंक्रीजिंग इसकी डेफिनेशन कवर हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये कहता है कि यू माइनस एप्सिलॉन ए एम उससे बड़ा है, ए एम फर्दर इससे छोटा है, तो कंबाइन करके ना
ये चीज़ ए एन से छोटी आ गई ना, तो ये किससे छोटा आ गया, ए एन से, ए एन से छोटा हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ऑल्सो ए एन जो है वो यू प्लस प्लस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये एल यू बी था ना, एल यू बी मतलब लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड में अगर कुछ ऐड किया तो वो और बड़ा हो गया। अगर वो और बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली सीक्वेंस की टर्म्स, अगर अपर बाउंड से ही अकेली छोटी थी तो और बड़ी टर्म्स से भी तो छोटी रहेंगी ना, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। अगर एवरी नेचुरल नंबर के लिए होल्ड हो रहा है तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए भी होल्ड होगा ना। अब इसको इसको कंबाइन करो, ए एन जो है उससे छोटा है ये और उससे बड़ा है ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको मॉड फॉर्म में लिख दो, ये आ गया, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई। किसको कन्वर्ज कर लिया, यू को, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है आपको, बाउंडेड अबव की जगह बाउंडेड बिलो शो करना है आपको, और शो करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा टू जीएलबी, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, प्रूफ लिख के रखो सारे, जो जो पार्ट्स में छुड़वा रही हूँ ये आपकी असाइनमेंट है, आपको जल्दी मैं कहूँगी कि आप कवर करके रखें और मुझे डिपॉजिट करवाएं पीडीएफ फाइल्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, प्रूफ दैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड अबव। इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, इफ़ एंड ओनली इफ आपको शो करना है कि वो अनबाउंडेड अबव होगा। ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी को तभी जा पाएगा ना अगर वो अनबाउंडेड अबव होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करना है डिक्रीजिंग जो है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज तब करेगा अगर वो अनबाउंडेड बिलो होगा। तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी है, अनबाउंडेड अबव की जगह अनबाउंडेड बिलो है, ये चेंजेस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इसका प्रूफ आ गया, आप लेके चल रहे हो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस है आपका वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है और आप शो करने जा रहे हो इट इज़ अनबाउंडेड अबव। ये चीज़ आप पे छोड़ रही हूँ मैं, आई थिंक हमने कवर करी हुई है, नहीं भी करी हुई तो बहुत ईजी है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है इसका कन्वर्स जो कि मेन पार्ट है, जिसमें हमने लेके चलना है कि ये अनबाउंडेड अबव है और हमने शो करना है कि ये डाइवर्जन टू इन्फिनिटी होगा। तो अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा दो कि फॉर गिवन के ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर लार्ज देयर एग्जिस्ट अ टर्म ए एम सच दैट ए एम इज़ ग्रेटर देन के, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन आ गई। अनबाउंडेड अबव कहती है कि एक टर्म ऐसी जरूर आएगी जो के से बड़ी होगी। तो डाइवर्जन टू इन्फिनिटी की डेफिनेशन और अनबाउंडेड की डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क ही है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अनबाउंडेड अबव की डेफिनेशन में आप कहते हो कि एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो के से बड़ी होगी, और डाइवर्जन टू इन्फिनिटी में कहते हो कि एम और एम के बाद वाली सारी टर्म्स के से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म है, सारी टर्म्स को हमें के से बड़ा प्रूफ करना है। सिंस इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दी, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ए एन जो हो ए एम से बड़ा है, फर्दर ए एम के से बड़ा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सो देयरफॉर सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी बिकॉज ये इन्फिनिटी की डेफिनेशन बन गई है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट इज़ योर असाइनमेंट। नेक्स्ट नोट है, आपको प्रूव करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है, सॉरी प्रूव नहीं करना, सम रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ईदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली जो बढ़ता ही जा रहा है वो ऑसिलेट तो कर नहीं सकता ना, ऑसिलेट करने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा। तो वो इंक्रीज कर रहा है मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है मतलब वो या फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या फिर वो अगर उसको बाउंड लग गया कोई तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, बट वो ऑसिलेट नहीं करेगा, याद रखना। डिक्रीज जो कर रहा है मोनोटोन जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर तो उसको बाउंड लग गया तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, अगर उसको बाउंड नहीं लगा तो वो क्या करेगा, डाइवर्जन टू माइनस इन्फिनिटी। मोनोटोनिक सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द मोनोटोनिक सीक्वेंस इज दैट इट इज़ बाउंडेड। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है क्या कहते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट तभी बन पाएगा अगर वो बाउंडेड होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है रिजल्ट जो है वो दोनों तरफ से होल्ड हो, मतलब कि मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड बन गया तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो वो फिर बाउंडेड भी होगा, ठीक है। और अनबाउंडेड के साथ डाइवर्जेंस की चीज़ रिलेट कर देना, ठीक है, कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जन तब होता है अगर वो अनबाउंडेड हो, और अगर वो अनबाउंडेड हो तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 14th आर्टिकल है, दिस इज़ योर असाइनमेंट, यू नीड टू डू योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन टू यू इन योर असाइनमेंट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन व्हाट्सएप ग्रुप।
प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, डोंट आस्क मी पर्सनली. ठीक है, इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर मी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ योर्स पर्सनली. इट वुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट टू मी इफ़ यू आस्क योर ऑल क्वेरीज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप और योर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड विल डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम इन द नेक्स्ट वीडियो.